सांसद राजकुमार सैनी से भाजपा ने तोड़ा अपना नाता। जींद उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ उतरना पड़ा महंगा। बीजेपी किसी प्रोग्राम में सांसद सैनी को नहीं बुलाएगी अब से। भाजपा के सांसदों में अब राजकुमार सैनी की गिनती नहीं। जींद उपचुनाव की रिपोर्ट आने के बाद भाजपा आलाकमान ने लिया कठोर फैसला। सांसद राजकुमार सैनी से भाजपा ने अपना नाता तोड़ लिया है। जी हां, जींद उपचुनाव में राजकुमार सैनी भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसके बाद जींद उपचुनाव में सांसद राजकुमार सैनी ने कृष्ण मिड्डा के मुकाबले में विनोद आसरी को टिकट दिया था। पार्टी चुनाव के बाद परिणामों के बाद समीक्षा करती है और उसकी रिपोर्ट पार्टी हलाकमान को पेश करती है। जींद उपचुनाव की इसी रिपोर्ट के बाद सांसद राजकुमार सैनी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बीजेपी ने साथ साथ कहा कि वह राजकुमार सैनी को अब से अपने किसी भी प्रोग्राम में नहीं बुलाएगी और न ही राजकुमार सैनी को भाजपा अपने सांसदों में शुमार करेगी। वैसे भी सांसद राजकुमार सैनी अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। ऐसे में भाजपा के सांसद सैनी के खिलाफ कार्रवाई का कहीं ये मतलब तो नहीं कि जींद उपचुनाव में भाजपा को जिस तरह से जाट वोट बैंक में सेंध लगाने में बड़ी कामयाबी मिली थी और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए और जाट वोट बैंक को रिझाने के लिए भाजपा ने यह फैसला लिया हो। बहरहाल यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा का सांसद राजकुमार सैनी को निकालने का फैसला उसके कितना पक्ष में जाएगा। प्राइम टाइम डेस्क, सबकी खबर टीवी।